वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हम बात करते हैं संत रविदास जी के जीवन के बारे में, पहली बात तो हम 2200 तक तरफ से पूरे वर्ल्ड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं संत रविदास जी के जन्मदिन की। और दूसरी बात है उनका उनका सपना था एक राज, बेगमपुरा राज, खालसा राज, जिसको खालसा राज कहते हैं आज की डेट में। बेगमपुरा खालसा, बेगम का मतलब है जहाँ कहीं गम ना हो, जहाँ पे ऊंच नीच ना हो, ऐसा राज पैदा करेंगे और आने वाले वक्त में हम जरूर पैदा करेंगे, उनका सपना भी पूरा करेंगे। संत रविदास जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई। और मैं सबसे ये विनती करता हूँ कि पूर्व मनाने या जन्मदिन मनाने तभी सफल है अगर हम उनके कहे हुए वचन उपदेश को ग्रहण करके अपने जीवन काल में अपना जीवन व्यतीत करें। देखो अभी भाई साहब जी एक शब्द कह रहे थे कि मेरे साथ ये वाक्या हुआ है, मैं आपके सामने सन्मुख रखना चाहूंगा कि कई, क्योंकि समझ पहले मेरी भी समझ शायद ऐसी थी कि कई कहते हैं अपने रविदास जी को भक्त, कई गुरु, कई संत, पर जैसे भाई मनदीप सिंह जी ने बोला पहले कि एक हम भी बड़े छोटे होया करते थे, तो मेरे मन में भी था, मैं कहने गुरु तो सिर्फ या गुरु ग्रंथ साहब जी को कहेंगे या गुरु नानक देव जी, ऐसी भावना थी। तो बड़े अच्छे विचार आज भी मेरे अंदर है, वो जो भी मुझे कोई मिलता है मैं उसे उसके साथ जरूर यो इसको विचार करता हूँ इसके बारे में कि मैं सबको कहता भी हूँ कि जब हम दस गुरु को मानते हैं या गुरु सिखों को मानते हैं, आज हम गुरुओं की वाणी को एक तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में माथा टेकते, तो उसी में अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा गुरु समझ के टेकते हैं तो उसी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर श्रोमणी संत भगत संत रविदास जी की वाणी भी है। तो हम जहाँ गुरुओं को माथा टेक रहे हैं वहीं हम भगत जी की वाणी के रूप में भगत जी को माथा टेक रहे हैं। तो मैं सबको, ये मेरा संदेश है सबको, सब भाइयों को, कि ये जो भेदभाव या ऐसे विचार मन में से निकल, देखो भाई साहब अभी बात कर रहे थे कितनी चलाकी से जो पूरा सच्चा उपदेश है उससे लोगों को तोड़ दिया, उससे दूर कर दिया। क्योंकि अभी बता रहे थे मैं, मेरे साथ खुद ऐसे, हम कभी भाई मेघराज सिंह जी से हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे कि संत रविदास जी ने मूर्ति पूजा से लोगों को हटाया, भाई ये नहीं करना है, पर जो चालाक लोग हैं उन्होंने उल्टा उनके उपदेश को, उस उपदेश से तोड़ के लोगों को उल्ट अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जी जी लोगों को मूर्ति पूजा से जोड़ दिया। भगत रविदास जी की मूर्ति बना दी। अब मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं आपकी बात जो है बीच में काटना नहीं चाहता, आज मैं प्रोग्राम देख रहा था बीबीसी का, उसमें जलंधर में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही ना, उन्होंने जिन्होंने सारी उम्र मूर्ति पूजा का विरोध किया ना, उसकी मूर्ति बना करके, भगत रविदास जी की मूर्ति बना करके और वो घूम रहे लोगों के साथ। यही यही अभियान था, यही मैं मैसेज जो है देना चाहता हूँ सबको। मैंने अपना जो हमारे उधर गांव में भी, जो मैं तो अभी अमेरिका में हूँ, हमारे गांव के अंदर उधर हरिद्वार के पास में, तो उधर भी लोगों ने, पहले मैं जब भी छोटा था तो मेरे होश में भी देखा नहीं कोई ऐसा, कोई मूर्ति बन गई वहाँ पे, तो कुछ लोगों ने कैसे कैसे करके क्या कुछ बना दिया। तो अब मैं देख रहा हूँ, मेरे को सुनने में आ रहा है कि लोग मूर्ति बनाकर संत रविदास जी की पूज रहे हैं। और देखो मैंने सबको कहा कि हमारे पास उनकी वाणी है, जो उनके बोल हैं, आप मूर्ति पे, मूर्ति से इतना कुछ नहीं मिलेगा जितना उनके शब्द और उनकी वाणी को मान करके और उसको अगर हम अपना करके जीवन जीवन को अपना व्यतीत करें तो शायद हमारा ही नहीं, हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसका भी
उधार होएगा वो भी सीधे रास्ते पे आएगी। देखो कितने अच्छी अच्छी बातें, मैं भगत कबीर जी का शायद श्लोक है रविदास जी के नाम से, भगत कबीर जी ने उच्चारण करा जी, जी। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, इनर दो जग जाएंगे सत भाख है रविदास जी। मतलब ये एक किस तरफ लोग जा रहे हैं, सो हमें जरूरत है। ये बड़ा अच्छा उपराला भाई मेघराज सिंह जी का और भाई मनदीप सिंह जी का, नकवी साहब का, जो कि ये टाइम टाइम पर आकर के लोगों को जगाते हैं पर लोग जागने की कोशिश नहीं कर रहे। भाई मेघराज सिंह जी तो बहुत दिनों से लगे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा उपराला। हम कहते हैं भाई चलो हम तो काफी लेजी हो चुके हैं जो कि, पर ये हमको फिर भी थोड़ा हिलाते हैं जगाते हैं भाई, तो बड़ा धन्यवाद इनका। तो लगे हुए हैं और भाई मनदीप सिंह जी बड़े अच्छे विचार, जैसे आप बता रहे हो दिन में आपने चार घंटे तक प्रोग्राम किया है, कि मैं समझ सकता हूँ कि प्रदेश में मैं भी पाजी मैं भी बहुत भूल जाता हूँ, कभी कभी हमको बीच में बोलने का मौका दिया कीजिए। मैं सिखों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जैसा ये संविधान को नष्ट कर रहे हैं और देश में गरीबी थोप रहे हैं, लेकिन इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने में सबसे आगे सिख कौम आएगी, और पहले भी देश को स्वतंत्र कराने में भी आगे था और भविष्य में भी आगे आएगा। हम सिखों का देख रहे हैं और हम सिखों की तरफ से बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। हम तो नकवी साहब, हम तो आप सबको केवल संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें साथ देने की जरूरत है, सभी को मिलकर के साथ दें, मुसलमानों को भी साथ दें, मुसलमान भी साथ आए तभी उनको उखाड़ कर। जय भारत जय संविधान। मैं आगे मैं पहले पहले रहूंगा, आगे आगे रहूंगा। इसीलिए तो सच के साथ जुड़ो, सत्य जो गुरबाणी है जो सच है। अच्छा एक बात हमें और याद आ गई है कि देखिए भारत देश के देशवासियों को इतने यानी शिथिल हैं, इतने ढीले हैं कि ईवीएम अभी सिर्फ चूल्हा का देखा जा रहा कि चूल्हा किधर बनाया जाएगा, चूल्हा का रुख क्या होगा, ये नहीं देख रहे कि खाना बनाना जरूरी है। तो ईवीएम हटाना पे नहीं बात चल रही है, और बीच बीच में शैतान एक एक रूल ला रहा है, कभी एनआरसी ला रहा है, कभी लॉकडाउन ला रहा है, कभी कृषि बिल ला रहा है, लेकिन हमारे देशवासी ऐसे हैं, ये नहीं कहते कि अरे पहले तू अपना चुनाव जो है बैलेट पेपर से करो, इस चुनाव को हम तुमको सरकार मानते ही नहीं, इसको रद्द करो, हम मानते ही नहीं, एक दिन भी एक सेकंड भी नहीं मानेंगे तुमको सरकार, हम तो नहीं मानते भाई, कोई माने तो हम पूरे देश में अकेला मैं एक बंदा हूँ। फिर वो पॉलिटिकल बात हो जाती है, आज वो बात बाबा रामदास जी के बारे में चल रही है। आप कहां पर ले गए सरकार को, घुसोड़ देते हैं गंदी सरकार को, इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे आने वाले वक्त में। अब बात कर रहे हैं इसमें कि जैसे अभी बहुत सारे लोग जो है ना संत रविदास जी कहते हैं, मतलब गुरु रविदास जी कहते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ उसको क्या है, अपनी समझ के मुताबिक है, हो सकता है शायद गलत हो, सकता है ठीक हो। अरे संत रविदास जी का तो एक दो चौपाई ऐसी है कि भाई अब मैं क्या पढूं, तो हम नहीं पढ़ सकते ना, बहुत बहादुर थे, बहुत बड़े संत, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन अब उनको नहीं अमल कर रहे हमारे देशवासी, तो मैं क्या करूं, उनकी तो बहुत कड़क भाषा थी, बहुत कड़क भाषा थी। नकवी जी एक बात बोलते, जो अभी आप अभी बता रहे थे ना, जो सिख जो है वो डटे हुए है, सिख जो है वो हर चीज में आगे, वो क्यों है, क्योंकि वो वाणी पढ़ते हैं, वो वाणी के साथ जुड़े हुए हैं, वो वाणी की ताकत है, सही सही है, वो वाणी जो है वो सच है, वाणी जो गुरुओं की वाणी है, संतों की, भक्तों की वाणी है, वो संत रविदास जी की वाणी पढ़ते हैं, तो वाणी पढ़ के उनको वो ताकत मिली है, वो सच्चाई उनके पास है, तो इसलिए वो सिख हर जगह खड़े होते हैं। पूरे भारत में भी और देश विदेश में भी सिखों का जो करैक्टर चल रहा है, उनका जो अमल चल रहा है, जो जो सक्रिय है हर तरफ इंसानियत में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। थैंक यू। गुरु ग्रंथ साहिब शब्द गुरु है, शब्द गुरु जो है, गुरु एक ही है, शब्द गुरु नानक साहब उसको पहले क्लियर किया था कि शब्द गुरु सूरत दुनि चेला, शब्द वो संत रविदास जी के मुंह से निकला है, पावे कबीरदास जी के मुंह से निकला, पावे गुरुओं के निकला, पावे सिखों के मुंह से निकला, वो शब्द एक शब्द रूप के अंदर आ गए, ज्ञान गुरु है, ज्ञान इसको अगर सीधी बात करो तो ज्ञान गुरु है,
तो सचेगा तो मैं जो इस बात को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, गुरु और संत के बीच में क्या मतलब, जो भगत है और गुरु है, ये मतलब बहुत सारे पंजाब इसमें इसके पीछे अटक गए हैं कि भगत को भगत ही बोलना है और गुरु को गुरु ही बोलना है। ऐसा क्यों अड़े, उनमें आपस में लड़ते भी है कि गुरु को भगत क्यों बोलते हो और भगत को गुरु क्यों बोलते हो आप लोग, तो ऐसा मतलब पंजाब के अंदर ही आपस में भी भेदभाव खड़ा है इस चीज का। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, अगर इसमें देखे ध्यान से, गुरु नानक साहब ने जब ये वाणी के अंदर कहते हैं कि आओ संत प्यारियो, अगत की करे कहानी, आओ संत प्यारियो, संत का मतलब होता है जो जो जागरूक लोग ने जो जिनको पता है कुछ, तो ये संत भी आते हैं जो संत रविदास जी या इनको भगत कहा, लेकिन भगत उन्होंने क्यों कहा है और भगत किसके कहा उन्होंने, तो उन्होंने जब कहा है कि भाई तेरी मतलब जो है तू भगता के वस भगता तान तेरा, ये गुरु अर्जन साहब ने इसको स्पष्ट कर दिया कि भगता के भगत जो है ये वाहेगुरु जो है वाहेगुरु भक्तों के हाथ में है, भगत भगत मतलब उसके कब्जे में है, तो उनको भगता ताण दे रहा, भगत जो है उसके ताण है, तो इसका मतलब है गुरु साहब ने उनको ये जो संत जिनको हमने भगत के ऊपर अटके अटके बैठे हैं उनको अकाल पुरख के भगत कहा, ना कि इंसानों के भगत कहा उनको, अकाल पुरख के भगत कहा, रब के भगत कहा, अल्लाह के भगत कहा उनको, ना के इसके कहा इंसान हो गए। रही बात गुरु नानक साहब की, गुरु गुरु नानक साहब ने भी, गुरु नानक साहब वो अकाल पुरख के ना गुरु नहीं है, वो हमारे गुरु ने, वो मानवता के गुरु ने, ते जो गुरु ने बात जो रखी है कि वो भगतों को उनको अपने अपने बराबर लाकर खड़ा कर दिया है, कि जो भगत मतलब खुद भी वो भगत ही है, वो अकाल पुरख के, गुरु नानक साहब भी अकाल पुरख के भगत ही है, वो कहते हर युग तक भगत तो पाया रखता है राम राजे, तो भगत वो अपने आप को भी उसी लेन में खड़ा कर देना भगत के। तो ये हमारे जो सिखों में ये भगत को भगत कहना है, गुरु को गुरु कहना, थोड़ा सोचे इसके बारे में, थोड़ा दिमाग लड़ाए और ज्ञान की बातें करें, ज्ञान तत्व ज्ञान लेकर सुबह जी क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, जो बात रखी हमने ये सही के गलत? नहीं बिल्कुल जी सही है ये बात, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज के रूप में एक जैसे आप बात कर रहे थे कि लोगों में दुविधा है कि जो भगत है उन्हें भगत ही कहो, गुरु साहब को गुरु, तो मैं देखता हूँ कि जब गुरु अर्जन साहब महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में एक गुरु हमको हमारी हमें लड़ लगाया गुरु ग्रंथ साहब के, तो तुम देखो ना उसमें भक्तों की वाणी और गुरुओं की वाणी सारी इकट्ठी करके तो वो एक रूप गुरु ग्रंथ साहिब जी का दिया। तो हम आज जो शब्द गुरु है हमारा, तो शब्द गुरु उसमें शब्द कितनी वाणी, जो भाई साहब बंदी सिंह जी ने पहले आपको बताया है भी कितने कितने शब्द गुरु अपने रविदास जी के हैं, भगत कबीर जी, तन्ना जी, हर 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 वर्ग के इसमें है सब। तो मेरे हिसाब से मैं तो विनती करता हूँ भी ऐसा मन में कभी भी भेदभाव ना रखो, क्योंकि एक गुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जब हम श्रद्धा लेकर के मथा टेकते हैं तो उसमें सारे भगत भी हैं गुरु भी हैं, तो मेरा मेरा मानना है भी ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए। मंदीप जी क्या कह रहे हैं, जो हमने बात रखी सामने आपके, हाँ जी इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा बात है कि जब किसी को तोड़ना हो ना, जो RSS की जो ब्राह्मणी नीति है ना, उन्होंने ये भ्रम जाल हमारे लोगों में फैलाया हुआ है कि इनको भक्त कहते हैं जी, इनको गुरु नहीं कहते हैं, ये उनके दिमाग में डाल दिया। वैसे जो असल में भगत गुरु संत इनके जो मतलब है वो आपस में मेल खाते हैं, ये एक ही पदवी की बात है। जो गुरु है वो भी भगवान के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, भक्त जो है, भक्त का मैंने सुबह एक शब्द में जिक्र किया था, बाबा रविदास जी का एक शब्द था, जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने शूटन को जतन करो, हम छूटे तुम राज। भगवान को सीधे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दोस्त के साथ दोस्त बात करता है ना, कहते हे हे भगवान, हे अल्लाह ताला, मैंने जैसे तुमने संसार को मोह माया में फंसा हुआ है ना, बांधा हुआ है मोह माया में, ऐसे मैंने तुमको अपनी प्रेम की डोरी से बांधा हुआ, परमात्मा को प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। भगवान को यदि प्राप्ति करनी है तो वो प्रेम से होगी। और कहते हैं कि अपने शूटन को जतन करो, हम छूटे तुम राय। भगवान को सीधा कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं परमात्मा को, इतना प्यार भगत जी के जीवन के बारे में आप जो हम बातें कर रहे हैं कि इतने क्रांतिकारी विचार के, परमात्मा को कह रहे हैं कि आप अपने शूटन का जतन करो,
मैं आपका नाम लेके आपकी शिक्षाओं पर चल के मैं इस संसार की मोह माया से छूट गया। ऐसे विचार, ऐसे क्रांतिकारी विचार जो है जी ने हमको दिए हैं। कहने का मतलब है यदि उनकी वाणी को जैसे गुरु साहिबान की वाणी को मथा टेका जाता है ना, ऐसे भगत रविदास जी की वाणी को भी साथ में मथा टेका जाता है, तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब गुरु महाराज ने कह दिया वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, उसमें कोई डिफरेंशिएट तो है ही नहीं है। सारी वाणी को ही माथा वैसे ही टेका जाता है जैसे भगत रविदास जी की वाणी है, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है, उसमें कोई फर्क थोड़ा किया गया। उसी राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है, उसी राग में भगत रविदास जी की वाणी है, तो फर्क तो है ही नहीं है। ये जो बेसमझ लोग है उन्होंने जान के लोगों में भ्रम डाल जाला जो है कि भगत रविदास जी को अलग करके रख दिया, बिल्कुल अलग नहीं किया। जो वाणी सुरक्षित है वो सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में चालू शब्द है, बिल्कुल सुरक्षित ही है। जो जो तक रहेंगे जो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने डाल दिए ना, बाकी हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे उनके नाम पे साखियां चला दी, किसी ने कह दिया भगत रविदास ने ये किया, करम आपके दिखाने वाली जो बात है वो उन साखियों में मिलती है। मगर जो गुरबानी है ये तो बिल्कुल सत है और ये गुरु रूप है और इसमें तो फर्क किया ही नहीं जा सकता। मेरे कहने का भाव है कि हम पखंड से बात, आप जो पखंड बात है शब्दों के द्वारा ही किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। जी मेरी बात सही सही, मैं अब इस पे मैं भी थोड़ा सा बोलूंगा जा रहा है। हमारे ख्याल से जैसे चेला और गुरु, जैसे शिष्य और गुरु, वही हिसाब से भक्त और गुरु। भक्त और गुरु में ये अंतर है कि गुरु जो है वो केंद्र है और भक्त जो है उसका अनुयायी है। तो अगर हम कहें कि गुरु ना अकाल पुरख वाहेगुरु के उसके बस में भगत के, तो एक आदमी भगत के बच्चे को तो दूसरा पलट का जो आप बता रहे शेर की बात कर रहे हैं उसका गुरु तो उसके बस में सकता है। एक ही पदवी है जी नकवी साहब, एक पदवी है गुरु और भक्त में, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। उसमें दुनिया में भगत में और एक अकाल पुरख के भगत में तुम्हें तुम्हें अखबार कर रहे हो, भगत वो अकाल पुरख को बस कर रहे हैं प्यार में चक्कर में, तू गुरु हमने तो मान रखा है। अब एक चेला का दुनिया का चेला ये बाद का अपने गुरु बांध के दिखाए, मेरे पॉइंट बैठे बाद में दिखाए। भाई मेघराज सिंह जी आवाज नहीं पहुंची, पता नहीं कुछ आ रहा आपकी आवाज में गड़बड़ा रही है। हमारी आवाज गड़बड़ जा रही है। हाँ इसको ठीक कीजिए। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे नंदी साहब जी, जैसे कि हम मना रहे हैं रविदास जी का जन्मदिन, मना रहे हैं रविदास जी का, हाँ तो क्या उनके मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं लोग, बहुत सारे बधाइयां दे रहे हैं, जैसे अलग अलग खुशी मतलब अलग अलग बधाइयां, तकरीबन मेरे पास जो है फोटो आए अभी तक, हाँ वो सिर्फ इतने ही है कि संत रविदास जी के जन्मदिन अलग अलग बधाई। ठीक है आप आपको मैं ये सलाह देना चाह रहा हूँ छोटी सी, कि आज जो है संत रविदास जी की कम से कम चार चौपाई आप लिख करके उनकी बधाई में शेयर कीजिए, ताकि जो बधाइयाँ दे रहे हैं वो उनकी चार चौपाई कम से कम पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय तो फिर प्रोग्राम चल रहे हैं, ये ध्यान से सुनते जाए ना, इसमें सब कुछ होता है। हम भी पढ़ेंगे, आप लिख कर शेयर कीजिए, हम पढ़ेंगे और शेयर करेंगे तो वो अच्छी हम बात कर रहे हैं इसमें कि संत रविदास जी के, मैं मेरा सवाल पूरा नकवी साहब ने पूरा नहीं होने दिया, पहले बोल पड़े हैं अभी इसको हटा दीजिए, इससे आवाज गड़बड़ा रही है। अब आवाज जा रही है हमें लगता है, आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज दूसरी आवाज आ रही है, गड़बड़ हो रही है। आप मोबाइल में से हेडफोन निकाल दीजिए, सीधे बात कीजिए मोबाइल से, हेडफोन निकाल लीजिए। अब बताइए, अब ठीक है, अब ठीक हो गया।
मेरा तीनों का सवाल एक ही है, एक सवाल है तीनों, जब तीनों सवाल करूंगा मैं बाद में सुनाता हूँ मैंने क्या लिखा जी के बारे में आज सुनने के लिए हम लिख जाओ मैंने मैंने ये कहा दोबारा से कह दूं जरा से कि चार चौपाई संत रविदास की आज आप लिख कर शेयर कर दीजिए। कर देंगे लेकिन सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा मैंने क्या लिखा, मैं सुनाता हूं आपको। मैं पूछ रहा हूं आपको, जैसे कि संत रविदास जी के बारे में बधाइयां दे रहे हैं, यही अगले साल मिलेंगे बधाई यही आज दे रहे हैं, और ये कई सालों से चली आ रही है ऐसी बधाई दे रहे हैं लोग, ऐसे बस यहीं तक सीमित है। क्या ये बात उनका जन्मदिन पर मनाना ऐसे ही ठीक है, या उनकी जो साखे जुड़ी हुई साथ में उनको मनाना मानना ठीक है, या जो उनके मुंह से निकला कलाम है उसको मानना ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस पर नकली साहब कि किस बात को मानना चाहिए? नहीं, उन जो उपदेश है उसको मानना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मानना चाहिए। सुरेश सिंह क्यों मानना चाहिए? मैं तो पहले भी मेरी शायद आपसे भी विचार हुए थे भाई मेघरा सिंह जी, आप जी को याद होगा, ये साखी जो है यूं मैं समझता हूँ मन घड़त लोगों ने बना के जो पेश कर दी है। आज पहले हम जब बचपन में पढ़ते थे हमने भी बहुत साखियां पढ़ी है, पर आज मैं तो कहता हूँ कि परोपकार हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा परोपकार है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ा हम कर्म वाले हैं कि आज गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी हमारे सामने। देखो अगर मैं कहता हूँ, हम सबको ही कहते हैं भाई वाणी हमारे सामने है, अगर कोई साखी तुम्हारे पास है तुम पढ़ रहे हो उसकी, उसका निर्णय करने के लिए तुम्हारे पास गुरु एक कसवटी है, शब्द गुरु, आप उससे मेल खाती है, अगर वो नहीं मेल खाती तो समझ लो झूठ है। तो उस झूठ को मैं हमेशा नकारता हूँ कि जो साखी गुरु रविदास जी के, संत रविदास जी के शब्द के साथ नहीं मेल खाती तो मेरे हिसाब से वो पढ़ना व्यर्थ है। उसको पढ़ना, मैं अब भी बेनती करता हूँ सबसे, उनको पढ़ना छोड़ दीजिए। जो गुरु रविदास जी की बहुत सारी बाणी है उन बाणी को देखिए, उनके बाणी के हवाले से आप उस साखी के साथ उसको मेल कराए, अगर नहीं करता तो मेरे हिसाब से वो चालाकी है लोगों की, लोगों ने उसको चालाकी से वो भगत या गुरु रविदास जी के नाम से जोड़ दिए। मैं तो ये कहूंगा जो उनकी बाणी है उसको पढ़िए, उसको मानिए। मैं तीन साखियों कंडेम करते हैं यहाँ पर, तीन साखियां मैं बता देता हूँ कौन कौन सी गलत साखियां हैं। एक तो उनको बता दे पिछले जमाने के ब्राह्मण थे, ये बिल्कुल खत्म है, इसके ये कोई सच नहीं है, झूठ है, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। दूसरा बताते हैं उनको ये रामानंद के चेले थे कबीरदास जी, ये भी गलत, ये भी झूठ है साखी। और तीसरी जो बात करते हैं कि मतलब संत रविदास जी जो है सिर्फ इन्होंने सिर्फ अपने समाज के लिए उपदेश किए हैं, ये भी बहुत सारे सुनाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। उनके तो मानवतावादी विचार थे और मानवतावादी विचार हैं उनके सारे, जब तक सूर्य चांद रहेगा उसमें कहावत सुनी होगी आपसे उन्होंने कि तब तक उनका नाम चलेगा। तो ये जो है इनको ये तीनों कहानियां जो है गलत कहानियां इनके साथ में लगाई गई थी। मंदीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं, जैसे गुरु नानक साहब का जन्मदिन मनाते हैं लोग लेकिन उपदेश नहीं सुनते हैं, और बहुत सारे कमेटियां हैं, बहुत सारे रागी जत्थे हैं सिर्फ सुनाते हैं, सुनते नहीं है, सुनते हैं और कमेटी भी कहती है भाई साहब जी ये शब्द आपने पढ़ना है, ये संगत को बुरा लगेगा इसको मत पढ़ रहा, और ये संगत को ऐसा करना क्या सही है गलत? ऐसा है कि जिसके पास ज्ञान है ना, जो ज्ञान की कदर करता है वो ऐसे सवाल करता ही नहीं है। जिसको ज्ञान की कदर है, जिसको शब्द की कदर है ना, क्योंकि जो मेहनत करके रागी जाते हैं, जिन्होंने इसके बारे में पूरी तरह स्टडी की हुई है, हम किताबें लेके सुबह से बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ज्ञान है वो लोगों का, गुरबानी का ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे, वो सवाल ही नहीं करते, वो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, वो उसका तोल मोल नहीं करते हैं। जिनके पास में ज्ञान का उनका दायरा सीमित हो है, वो ऐसे सवाल करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं रह जाता, क्योंकि उनके पास पीछे उनकी कोई जड़ नहीं होती उसकी बात की। और मैं यही कहना चाहता हूँ जो गुरबानी को जो शब्द है, कितने सरल तरीके से परमात्मा से अपनी प्रीत की बात की है। मैं एक शब्द का बात रखना चाहूंगा कि कैसी प्रीत जो परमात्मा से भगत रविदास जी की, या गुरु रविदास जी, संत रविदास जी, जैसे भी आप कह रहे, क्योंकि गुरु संत और भक्त में कोई फर्क नहीं है, अवस्था तीनों की बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। भक्त की अवस्था यदि आप गुरु अर्जन देव जी की वाणी का जो है, जो तू भगता के वास भगता कान दे रहा, इसके ऊपर क्या बात हो सकती है, और इसके ऊपर क्या बात हो सकती है जब भक्त जो है भगवान को चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि तुम छूटने
तुम अपने शूटिंग का जतन करो, मैं शूट गया हूँ तुम्हें, मैं परमात्मा का नाम लेके मैंने तेरा नाम ले आया है, मैं छूट गया हूँ और परमात्मा मेरे से अपनी बात नहीं छुड़ा सकता। बाबा नामदेव जी का भी एक बात आती है, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत ना छूटे, मेरी जो बंधी हुई है वो भगत जो है वो छुड़ा सकते हैं, मगर जो भगत अब अपने प्रेम से मेरे को बांधता है ना, तो परमात्मा कहता है मैं छुड़ा नहीं सकता। इतनी ऊंची अवस्था है भगत की, जो अवस्था है वो इतनी कमाल की अवस्था है, यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे। जब पढ़ेंगे ना तो फिर ही जानेंगे ना, इस गुरबानी के शब्द को जितनी देर तक पढ़ा नहीं है भगत की अवस्था कितनी ऊंची बताई गई। इसके पहले भी एक शब्द मैंने रखा था, पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और ना कोई। छत्रपति राजा हो, कोई ज्ञानी पंडित हो, कोई शूरवीर योद्धा हो, वो सारे भगत के नीचे है, उनकी अवस्थाएं नीचे है, ऊपर नहीं है। भगत की अवस्था इतनी ऊंची है कि वो इन सबसे ऊंचा। और मैं बात करना चाहता हूँ एक शब्द जो राग सूरठ का है, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। हे माधव, माधव क्या कहा गया है, अकाल पुरख अल्लाह ताला प्रभु परमात्मा को, हे भगवान यदि तुम मेरे से नहीं तोड़ेगा ना अपने संबंध, तो मैं भी तुम्हारे से नहीं तोड़ूंगा। और मेरा और तुम्हारा संबंध कैसा है, तो कहते हैं जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चांद तो हम बहज पूरा। कहते यदि तुम गोवर्धन पर्वत है तो मैं उसके साथ में टहलने वाला मोर हूँ, और यदि तुम चंद्रमा हो तो मेरी प्रीति तुमसे चकोर के जैसी है, जो तुम दीवरा तो हम बाती, यदि तुम दीवा हो परमात्मा के, यदि तुम दीवा हो तो मैं तुम्हारी उसमें जो है जलने वाली बत्ती जो है वो हूँ, और जो तुम तीर्थ तो हम यदि तुम तीर्थ हो, तीर्थ स्थान हो, तो मैं जाने वाला वहां पर यात्री हूँ। ऐसी प्रीत साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी, ऐसी साची प्रीत मैंने तुमसे अपनी बनाई हुई है कि मैंने संसार से अपनी प्रीत तोड़ के मैं तुम्हारी तरफ आ गई। तुम्हारे भजन कटे जाऊं फास, मैं इस बात को पूरा कर लूं बस दो मिनट, क्योंकि आप पूरा हो रहे हैं, इसी की भक्ति बात है, इसी भक्ति बात कर रहा हूं। हाँ, तुम्हारे भजन कटे जाऊं फासा भगत हेर कावे रहूं। अभी जो है ना आपने बोला कि तुम स्यों जोर अवर संग तोरी, ये अवर जो है शब्द, अवर का मतलब क्या है? अवर का मतलब संसार से, जो संसार में गलत परंपराएं हैं उनसे, जो चीजें हैं जो गलत परंपराएं हैं उनको मैंने तिलांजलि दे दिया, उनको मैंने खत्म कर दिया, मैंने तुमसे ही जोड़ा है और तुमसे ही जो है हर चीज को मैंने प्राप्त किया है, और ये प्रेम भी तुम्हारे से ही मिला। एक आम आदमी की सोच कुछ और होती है, भक्तों की गुरुओं की सोच कुछ और होती है। अगर इसे अवर जो शब्द है मेरे हिसाब से, मैं हो सकता शायद गलत हूँ, तो नहीं आप बात कर, जिसमें जैसे गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि मतलब इसमें जो राणा साहब का भी शब्द है कि मतलब इसमें लिखता है कि अन्नते अवर, ये दो चीज जो है ना, दो चीज मतलब जिसके ना अन्न और अवर, ये दोनों चीजें हैं ब्राह्मणवासी जुड़ी हुई चीजें हैं। जैसे की झूठे पखंड से ब्राह्मण है, मतलब उनसे ये कहते हैं, जो कविता जी कहते हैं, मतलब भगत कविता जी कहते हैं कि तुम हो, मतलब इसको ब्राह्मण को कहते हैं कि भक्त का तू जो है ना जगत का गुरु हो सकता है, लेकिन भगत का गुरु नहीं हो सकता। भगत का मतलब है कि जो मैं जो भगत जो कहते हैं ना कि हम मतलब ये भी कहते हैं कि मतलब संसारी और भगत को जोड़ना है, मतलब वो जो हाँ जो है संसारी का मतलब ये नहीं है कि जो आम लोग हैं, आम लोग तो उतना ही देते हैं, वो साथ जोड़ते हैं, रब के साथ जोड़ते हैं। संसारी का मतलब है जो दूसरों को भीख मांग कर खाने वाले लोग हैं, जो दूसरों को दगा देने वाले लोग हैं, जो दूसरों को जो मानते ही नहीं किसी का कहना छोड़ा, उनको संसारी कहा गया है। बाकी तो आम लोगों को तो उन्होंने छोड़ा साथ में। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जो अवर जी अवर की बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि 33 करोड़ देवी देवता ब्राह्मणी जो सिस्टम है उससे झूठ से तोड़ने के लिए कहिए कि मैं उनके साथ तोड़ लिया, अब तेरा झूठ लिया, इसके बारे में क्या कहना है मंदीप सिंह जी? हाँ जी, ऐसी बात है कि जब हम तनासरी राग में भगत जी की आरती पढ़ते हैं ना, उसमें पखंडवाद में सबसे ज्यादा चोट उस शब्द में जो है, पखंडवाद को जो ब्राह्मणी मतांत है ना, जो ब्राह्मण मानते हैं जिस बात को, जिसमें उन्होंने संसार को उलझाया हुआ है, उस शब्द में सबसे बड़ी चोट जो भगत रविदास जी जो है वो मारते हैं उस शब्द के द्वारा। क्या कहते हैं? नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। परमात्मा के नाम के बिना जो भी पसारा है
वो सब कुछ जाने वाला, कुछ भी साथ में। अब पंडित क्या करता है, भगवान को खुश करने के लिए चंदन का टीका लगाता था, दीवा बालता था, फूल चढ़ाता था, जल चढ़ाता था, ऐसी बातें करता था ना पंडित। जो है पंडित ने की जो पूजा की विधि वो यही है कि फूल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, चंदन का टीका लगाना। और भगत जी ने क्या कहा, दूध तो बछड़े थाने बिठा रहे हो, तुम कहता है कि दूध सुच्चा है, सुच्चा मैं दूध में, मगर दूध तो पहले बछड़े ने जूठा कर दिया। जो जब गाय को गांव को से दूध निकालते है, पहले बछड़ा जूठा कर देता है, तो वहां पर सुच्चम कैसे रह गई। जो फूल चढ़ा रहा है तू, पंडित को कह रहे हैं भगत रामदास जी कि पहले तो जो भौरा है, भवरा है, उसने उसका सुगंधी पहले ही चूस ली है, उसने फूल को पहले जूठा कर दिया है, अब उसमें भी जूठा गई। अब जो पानी है जिसको आप जल कहते हैं कि मैं जल से स्नान कराऊंगा मूर्ति का, और वो पानी है वो भी जूठा है, वो मछली ने गंदा कर दिया। और किसी भी वो वहां पर जो बात है असल में, फिर सबसे ज्यादा अंत में जाके कहते हैं कि ये जो हमने मान्यताएं डाली हुई है ना कि चंदन चढ़ाओ, टीका चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये हमारी हमारी हम अपने तरफ से ये कर रहे हैं, मगर भगवान को ये चीजें नहीं चाहिए, भगवान को तो सच्चा प्यार, सच्ची श्रद्धा चाहिए। कहते कह रविदास कवन गत मोरी, जो जानो तो कर गत मोरी। कहते हैं कि मेरे में कोई अकल नहीं है, अब तुम ही जानते हो परमात्मा, तुम ही जानते हो अल्लाह ताला कि तुमने मेरी गति कैसे करनी है। और वो कहते हैं कि प्रभु परमात्मा का नाम जो है वो गुरु के द्वारा जो ज्ञान बख्शा जाता है उस पर अमल करके, उस पर जो है चल के ही प्रभु परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, ना कि ये पखंड करके कि चंदन चढ़ा के, फूल चढ़ा के, दूध चढ़ा के हम परमात्मा को खुश कर लें, ऐसे परमात्मा खुश नहीं होता। वो कहते हैं हम गरीब आदमी, हम चंदन कहाँ से लेके आए, फूल कहाँ से लेके आए, क्योंकि कारण ये है कि प्रभु परमात्मा जो है वो प्रेम से खुश होता है। यदि आप प्रेम करते हैं ना, जिन प्रेम की उतनी प्रभु पायो, यदि आप प्रेम करते हैं तो उसमें सभी चीजें आ जाती हैं। इसलिए कहा है, नाम तेरो आरती मजन मुराद, तुम्हारा जो नाम है वही मेरे लिए सब कुछ, जो वो सारी सामग्री उसमें ही आ जाती है, मैं यही कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा नाम तुम्हारी जो सिफ्त ही कर सकता हूँ। इसके बीच में चंदन आ जाएगा, इसके बीच में फूल आ जाएंगे, इसके बीच में दीवा आ जाएगा। इस कहने का भाव ये है कि ऐसे पखंड करने की जरूरत नहीं है, जो पंडित ने बताया ना कि ऐसे पखंड या ऐसी बातें करे तो फिर ही आप परमात्मा को मिल सकते हैं। भगत रामदास जी ने जो स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे जो तरीके से जो परमात्मा का जो नाम लेना है, इस सामग्री को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप सच्चे मन से प्रभु परमात्मा से प्यार कीजिए, उसकी बात मानिए, इसी से ही आपकी जो है परम गति। यही मेरे कहने का मतलब। डिबेट बहुत अच्छी हुई है और संत रविदास ने जो उपदेश दिए हैं और जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने लिखा है, उस पर अमल कीजिए। मूर्ति पूजा और ये फूल चढ़ाना, पानी फेंकना, दूध फेंकना, ये इनको छोड़ दीजिए। इनको सब हम लोग जो समझदार हैं, जो विज्ञान पे विश्वास करते हैं, ये सबको छोड़ दीजिए। और भारत जो है, भारत को बचाने पे ज्यादा तवज्जो कीजिए। इसके साथ साथ जन्मदिन की बधाई तो है ही, लेकिन जब हम रहेंगे तो बधाई देंगे, जो हमारा लोकतंत्र रहेगा तो बधाई देंगे। इसके साथ साथ तवज्जो कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए कि क्या करना है भविष्य में और वर्तमान समय में अब क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। फूल तो बोर है, जूठा कर देते हैं तो पानी मछली जूठी कर रही है, दूध जो है बछड़ा जो बल जूठा कर रहा है, लेकिन अभी जो देखते हैं कि बहुत सारी जगह फूल छिड़का जाते हैं, जैसे अगर मान लें गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर लेते हैं, अपनी बात कर लेते हैं, वहाँ फूल छिड़का जा रहे हैं, रविदास जी का, संत रविदास जी का मना रहे जयंती, वहाँ भी फूल छिड़का जा रहे हैं, तो इसका अगर वो तो जो उन्होंने कहा है तो उसके सिर्फ सब उसके उल्टा काम कर रहे हैं, तो ये क्या उल्टी काम हो रहा है? यदि हम गुरबानी के, यदि आप शब्द को मानते तो फिर ये उल्टी काम हो रहा है, उल्टी हो रहा है, पखंडी हो रहा है, और क्या हो रहा है? आज क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्यारा शब्द है, मैं बड़े काफी पहले भी मैं विचार करता हूँ इस शब्द पे, एक पंक्ति सिर्फ, पूरा शब्द तो चलो मैं तो एक पंक्ति को पकड़ता हूँ, भगत कबीर जी का बड़ा प्यारा शब्द है जी, भाई मनदीप सिंह जी आपको तो पाती तो रहे मान ली, पूरा ही फूल के ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो जो लोग कह रहे हैं भी फूल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से वो रब, वो परमात्मा, वो अल्लाह खुश होता है, तो वो कह रहे हो कैसे खुश होगा। देखो मूर्ति की भी बात आ गई इसमें, कहेंगे
आप जिस पत्ते को या फूल को तोड़ रहे हो तो साक्षात भगवान खुद है, जीवित है, पाती बिसन डारी फूल शंकर देव, शंकर देव। वो कहते तीन देव पर तख तोरे करे किसकी से। तो पत्ते की मूर्ति पे वो जो जो देखो जो फूल पौधे सब में जान है, अगर एक तू मूर्ति जो पत्थर है उस पत्थर को देखो कितनी विडंबना है हमारी सोच की ना। देखो मैं हैरान होता हूँ कि लोग उस जिस उस फूल में जो जो जीता जागता है, मैं जीव ही मानूंगा, जीवित है वो है ना, चल रहा है उसके साथ चल रहे हैं, मूर्ति निर्जीव है। फिर वो कहते हैं तीन देव प्रत्यक्ष तो रह करे किसकी सेव है ना। एक और देखो कमाल, भगत कबीर जी कहते पाखान गढ़ के कहते अगर ये मूर्ति जीती तो पूजा कर रहा है, अगर इसमें ये सच्ची है, अगर वाकई भगवान है तो फिर कहते पाखान गढ़ के मूर्त कीनी देखे छाती पाओ। कहते कबीर जी कह रहे हैं कहते अगर ये वाकई भगवान है तो कहते जिसने इसको बनाया ना, जिसने इसको घड़ा है, उसने इसके छाती के ऊपर पाँव रख के कभी वो छैनी से उसको घड़ता है, कभी वो किसी भी हथियार से घड़ता है। कहते फिर अगर ये भगवान होता तो पहले सबसे पहले उसको खत्म करता, उसको पहले खा लेता। हाँ उसको यदि भगवान होता पहले उसको ये मूर्त साची है था गार्डन हारे खाओ। तो मेरा कहने का भाव है कि मैं सबसे विनती यही करता हूँ इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से कि भाई गुरुवाणी जो अगर आप सच्चे ही संत रविदास जी के भगत हो, सच में आप उनको गुरु मानते हो, तो मैं एक विनती है कि मूर्ति पूजा फोटो पूजा को छोड़ के उनकी एक ही शब्द को आप पकड़ लीजिए और उस पे अमल कीजिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, मेरा तो यह मानना है। जी जी, मैं लास्ट में मैंने कविता लिखी है, थोड़ी मैं सुना देता हूँ। नकवी साहब कहते हैं भाई चार लाइन चुपाए सुना चुपाए तो मैंने नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं कविता लिखी है। संत रविदास जी के होते हुए जिस वक्त मतलब राजा महाराजा उनके चरणों में आए हैं और उन्होंने खुद लिखा कि दंडोत बंदन, मतलब ब्राह्मणों ने उनको दंडोत बंदन करी है, मतलब सिर झुआ का नमस्कार करते थे, गुरबाणी के अंदर शब्द है। तो मैंने जो मेरा राजपूत जो है, राजपूत रानी का नाम है मेरा, जो उनको ब्राह्मणों ने इसको चेली बनाई, इसकी कृष्ण की चेली बना दी है। अगर कृष्ण की चेली होती तो ये ब्राह्मण के भी, मतलब पहले तो एक भाई बातें साझी करना चाहता हूँ, ब्राह्मण जो पूजा पाठ करता है इसको भगवान की जरूरत नहीं है, वो तो खुद कहता है मैं सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूँ, तो सिर्फ वो अपने रोजी रोटी के कारण करता है ताकि उसको लोग खाने पीने को फ्री में बैठ कर दे दें और उसकी जो है खाने का पीने का चलता रहे। अगर वो सिर्फ मेहनत करना सीख जाए ना ब्राह्मण, तो कभी भगवान की पूजा नहीं करेगा वो, क्योंकि पूजा इस करके करनी पड़ती है, उसके पीछे दान का चक्कर होता है कि दान मेरे को चढ़ाए कोई, मेरा जो रोड जो मतलब जो खाने पीने का सिस्टम वो चलता रहे फ्री में, तो इस करके वो जब बड़े बड़े सबको गुलाम बनाने की कोशिश करता है और गुलामी फंसा खुद गुलामी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो खुद गुलामी से बाहर है, ऐसा नहीं है, गुलामी में खुद फंसा हुआ है, इसके करता है। अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी छोटी सी बात मैं कहता हूँ, आप कह रहे हैं काम क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं एक ना कहावत सुनी है मैंने कि पूजा की धान का कहते ने पूजा की रोटी है तीन कम करें, हड गालन मत मारन कम करना देन। तो इसलिए वो सब कुछ उनका वो धान खा के ना फिर सब कुछ खत्म हो गया, वो कैसे करेंगे अब खाली दिमाग शैतान का होता है, खाली बैठे बैठे दिमाग उनका शैतान की तरफ चलता है, कैसे किसी को फंसाना है, कैसे गुलाम बनाना है, कैसे करना है। तो हमने जो संत रविदास जी के चरणों में आया करते थे, ब्राह्मण भी नमस्कार करते थे, मीरा भी नमस्कार करती थी, उन्हें उसके ऊपर कविता लिखी छोटी जान में सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद तो ब्राह्मण भी करते थे संत रविदास जी को हाथ जोड़कर नमस्कार, राजपूत मीरा ने जब ज्ञान सुना संत रविदास जी का तब बदल गए उसके संस्कार, मीरा के संस्कार बदलते ही जातिवादी घमंडियों में मच गई हाहाकार। सच्चा गुरु है संत रविदास जी, जी मेरा ये कह रही मीरा ने देख कह दिया पुकार, भले मीरा ने इस बात को पुकार पुकार के कह दिया, मेरा गुरु जो मेरा दिल कहता है पुकार पुकार। तो फिर पूरी मानवता को संत रविदास जी ने सच्चा उपदेश सुनाया, झूठ की नींद में सोए हुए लोगों को
सच सुना सुना कर जगाया, सच्चे ज्ञान से लोगों के दिमाग से अज्ञान का अंधेरा मिटाया। मेघराज सिंह ने जो लिखिया, जो गुरु ने लिखवाया, तो ये लिखा है। तो कुछ कहना चाहते हैं सुवेक सिंह जी के ऊपर आप एक मिनट का? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप तो देखो, मैं तो आप चलो संत रविदास जी महाराज सब पे कृपा करें, उनकी जो उनकी वाणी जो है गुरबाणी, वो उनका रूप है। तो मैं सबको ये कहता हूँ भी गुरबाणी से जुड़े, और ये जो मूर्ति पूजा, क्योंकि लोग शरारती लोग हैं, वो उनकी शुरू से नीति है रे भी सच जो है, ये लोग सच्चाई से ना जुड़ जाए। अगर सच से जुड़ गए तो फिर हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी। तो धन्यवाद है भाई साहब मेघराज खालसा जी का, जो बड़े उद्यमी हैं, और हम सारे आज गुरु रविदास महाराज जी के इस जन्म दिवस पर वाहेगुरु की आज्ञा अरदास करते हैं कि मालिक आपको ऐसे ही उद्यमी बना के रखे, और आप ऐसे ही हमारे ऐसे भाइयों को साथ में जोड़ करके ऐसे विचार करते रहे, ताकि लोगों तक ये सत्य जो है वो लोगों तक पहुँचता रहे। और आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है, धन्यवाद आपका। जो वक्त ने लिखवाई, मैंने लिखी है, जो गुरु ने लिखवाई है, जो गुरबाणी हमारा गुरु है, ज्ञान गुरु है, जो बख्श अल्लाह, जो वाहेगुरु अकाल पुरख जो भी है, वो लिखवा देते हैं, क्योंकि गुरु और अकाल पुरख में कोई फर्क नहीं है। गुरु साहब कहते हैं निरंकार और वाहेगुरु, मतलब गुरु निरंकार सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इसमें जो उन्होंने हमें वक्त दिया लिखने का, लिख दिया। बाकी मंदिर सिंह क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? हाँ जी, ऐसा है कि बहुत, क्योंकि इतने स्पष्ट लफ्जों में जो बयान किया है, क्योंकि जो उनका जीवन था वो सच्चाई के लिया था, वो पखंडवार से कोसों दूर था। वो जी उन्होंने सारी उम्र जो सनातनी मत की भावनाएं थी, बुरी परंपराएं चल रही थी, उनका सारी उम्र विरोध किया। सारी उम्र यदि भगत रविदास जी का जीवन हम उठा के देख ले, यदि मूल सार पर आए ना भगत रविदास जी के, तो सारी उम्र वो इन लोगों के पखंड के खिलाफ बोलते रहे। अब बहलोल लोधी जो है, वो जब हिंदुस्तान का शासक था, उसके समय पंडितों और भगत रविदास जी में जब झगड़ा हो गया था, तो जो वो झगड़ा जब पहुंचा तो भगत रविदास जी की वहां पर जीत हुई। बहलोल लोधी शासक था हिंदुस्तान का, और उस बहलोल लोधी शासक ने भगत रविदास जी को हाथी पर बिठा करके सत्कार में ऊपर से फूल डलवाए, और उनका सत्कार किया। और गुरबाणी में शब्द भी है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे शतर करे। वो जो गरीब भक्त है, जो परमात्मा का नाम लेता था, अपनी मेहनत मजदूरी करता था, सच्चाई पर चलता था, उसके सर पर फूलों की बारिश हुई, उसके सर पर जैसे राजाओं के शतर झूलते हैं ना, ऐसा शतर जो है भगत रविदास जी के सर पर भी झूला। संसार के जो तमाम जो लोग हैं उनका सत्कार करते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने सच्चे लोगों ने उनका बहुत सत्कार किया है। इसलिए साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उनकी वाणी के 40 शब्द जो 17 रागों में दर्ज है उनको शामिल किया है। बहुत संघर्षमय जीवन है, बहुत क्रांतिकारी जीवन है। यदि उनके विचार हम अपने जीवन में अपनाए तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है, हमारा इस संसार में आया सफल हो सकता है, और हम पखंडवाद में ना पड़े, हम गुरु के उपदेश जो है उसके ऊपर अमल करके अपने जीवन अच्छा बनाए। मेघराज सिंह जी, आपका बहुत अच्छा जो है ये हमेशा प्रोग्राम रहता है, और हम भी आपके जरिए लोगों तक अपनी बात जो है वो भगत रविदास जी के जो शब्द है उनको पहुंचाने का हमको भी मौका आप दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वॉइस ऑफ मानता का ये बहुत ही बढ़िया उपराला है, हम इसकी बहुत ज्यादा सिफ्त करते हैं, और हम बहुत खुश हैं कि आप ऐसा बढ़िया उपराला जो कर रहे हो, और फ्यूचर में भी हम साथ मिलके जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी मैं हमें एक अलग सबमिट भी करते हैं, इसमें जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, चाहे मुसलमान हैं या सिख हैं या जैन हैं, जो भी है, मतलब जो सच्चे के रास्ते पर चलने वाले हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर विचार चर्चा करते रहेंगे, और जब तक हमारे बाजी जाते जाते बाजी आवाज मिल रही है, तो जाते जाते मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत में जितने आदिवासी हैं ये प्रकृति की पूजा करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, पाखंड मुक्त हैं, यानी पाखंड से दूर हैं, इनके पास पाखंड है ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ओके शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। साथियों बताना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में वो संत रविदास जी का सपना था, बेगमपुरा राष्ट्र है, बेगमपुरा नाम है जो राज का राज्य कार्यक्रम करेंगे। संकल्प हमारा बेगमपुरा राज्य खालसा राज या जिसको सच्चाई का राष्ट्र कहते हैं उसको बनाएंगे। सच्चाई का राष्ट्र का मतलब होता है सच्चे लोगों का, जहाँ पर कई मुसलमान सिख जैन सभी के सभी सुख शांति से रह सके, जात पात रहित समाज बनाएंगे। धर्म तो होंगे, जात पात को हम जड़ से खत्म कर देंगे, उसका हमारे पास में है प्रबंध कैसे खत्म करना उसको आने वाले वक्त बताएंगे। लेकिन संत रविदास जी का सपना था कि जहाँ पर कोई कम ना हो, देव दोम सेम ना हो, दोम सेम का मतलब होता है ऊंच नीच ना हो गई, और सिस्टम पैदा करेंगे जहाँ पर मनवादी जाब उनके लिए भी एक अलग से हम एक गोबर स्थान बना दे इनके लिए जो जाब बनाना है, और जहाँ उनको गाय का सूसू और जो गोबर कहते हैं खाने के वो मूत पीन ला दे, ठीक है जी, जो जो खाना चाहिए वो खाते बेहतर है, हमें कोई परवानिश की। लेकिन हमें जो काम करना है बेगमपुर राज बनाएंगे, खालसा राज जिसको सच्चाई का राष्ट्र कहते हैं, जहाँ पर सभी सुख शांति रह सकते, असली डेमोक्रेसी असली लोकतंत्र बनाएंगे जी, असली लोकतंत्र जिसमें सबकी बात हो, और विद इन 10 साल के अंदर अंदर भारत को ऐसा बना देंगे जो वर्ल्ड का नंबर वन है भारत होगा, जहाँ पर लोग दूसरे देशों के वहाँ पर काम करने आएंगे ना कि भारत से जाएंगे, तो ऐसा सिस्टम लागू करेंगे वहाँ अमेरिका से भी लोग जाएंगे वहाँ पे। हम तो दुख में फिर हम सब अपनी तरफ से 2200 मानव तरफ से सभी को लाख लाख बधाई देते हैं संत रविदास जी की, और उनके जो वचन है उनको अपने जीवन में अपनाए, उनका जन्मदिन तभी सफल होगा बनाया जब उनके एक एक वचन को जीवन में अपनाएंगे और उनकी बात को सही मान करके मानेंगे। तो सबका सुरेश सिंह जी और मनदीप सिंह जी और नकवी साहब आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, धन्यवाद, थैंक यू।